Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Nargis Fatma, lecturer from Zoology Department, Pyas College, Kasur. As a co-teacher of course, Evolution and Principles of Systematics. Main teacher is Dr. Muhammad Mudassar Shahzad from Division of Science and Technology from University of Education, Lahore. Our today's topic is Co-Evolution. All the rights of this lecture are transferred to the University of Education, Lahore. Now, let's start the lecture. The conditions that an animal must meet to survive are unique for every species. What many species have in common, however, is that population density and competition impact population in predictable ways. In addition, unstable environmental conditions may prevent animals' population from reaching the carrying capacity of the environment. इसका मतलब ये है कि जो unstable environmental conditions हैं वो रोकती हैं किसी भी animal population को कि वो अपनी carrying capacity की हद तक पहुंच सकें। और जब हम population regulation के हवाले से बात करें तो हमें two types of interactions मिलते हैं या competition मिलते हैं among the populations. इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन तब होता है जब जो है एनिमल्स यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को और इन सम वे इंटरफेयर विद ईच अदर रिक्रूटमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज। Competition among members of same species called intraspecific competition is often intense because the resource requirement of individuals of a species are nearly identical. अब जो intraspecific competition किसी भी species का जो कि same होती हैं वो बहुत intense होता है, इसलिए क्योंकि जो resource requirement है उस species की individuals की वो तकरीबन identical होती है। और ये जो कंपटीशन है इस टाइप का ये विदाउट इंडिविजुअल्स अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं भी आ रहे तब भी ये अकर हो सकता है। मिसाल के तौर पर द बर्ड द अर्ली बर्ड दैट गेट्स द वॉर्म मे नॉट एक्चुअली सी द लेटर अराइवल्स। इन अदर इंस्टांसेस द एक्शंस ऑफ वन इंडिविजुअल डायरेक्टली अफेक्ट एन अदर territorial behavior and the actions of socially dominant individuals are example of direct interference. Now what about the interspecific competition? When members of different species compete for resources, one species may be forced to move or become extinct and the two species may share the resources and coexist. सो हम कह सकते हैं कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। यहाँ आपको दो बार्निकल्स की जो है वो स्पीशीज मिलेंगी, कैथेमिलस और बेलेनस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस तरह जो कंपटीशन है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन वो एज अ पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। नाउ हेयर आर थ्री जोन। नंबर वन इज द लोअर इंटरटाइडल जोन एंड द मिडल इंटरटाइडल जोन एंड दिस वन इज द अपर इंटरटाइडल जोन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैथेमिलस इज वेरी वनरेबल टू प्रेडेशन इन लोअर इंटरटाइडल जोन कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं और शिकार हो जाता है कहाँ इंटरटाइडल सॉरी लोअर इंटरटाइडल जोन में जिसको हम यहाँ पे आप एरो में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रेडेशन का शिकार हो गया। ठीक है, तो फिर देखें आप कि क्या है कि अगर फर्दर अगर हम मिडल इंटरटाइडल जोन में मूव करते हैं तो क्या है कंपटीशन विद बेलेनस एक्सक्लूड्स कैथेमिलस फ्रॉम मिडल इंटरटाइडल जोन। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो क्या होता है बेलेनस के साथ और बेलेनस एक्सक्लूड कर देता है किसको कैथेमिलस को फ्रॉम द मिडल इंटरटाइडल जोन। यहाँ के आप देख भी रहे होंगे। फिर क्या है अपर इंटरटाइडल जोन, यहाँ पे क्या है जोन इनहिबिटेड बाय एडल्ट कैथेमिलस। इसकी क्या रीजन है कि यहाँ पे जो है अपर इंटरटाइडल जोन में कैथेमिलस जो है एडल्ट कैथेमिलस वो ज्यादा पाए जाते हैं और डेसिकेशन प्रिवेंट्स कैथेमिलस फ्रॉम इनहिबिटिंग हायर लेवल्स।
और अगर हम हायर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे डेसिकेशन जो है एक ऐसी इकोलॉजिकल फोर्स है जो कि कैथेमिलस को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम इनहिबिटिंग द हायर लेवल्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स है। मैनी स्टडीज हैव शोन दैट कंपीटिंग स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्टेंस कैन अकर व्हेन स्पीशीज यूटिलाइज रिसोर्सेज इन स्लाइटली डिफरेंट वेज एंड व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आर लेस सीवियर देन द इफेक्ट्स ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज हैं कंपीटिंग वो कोएग्जिस्ट भी कर सकती हैं, और कोएग्जिस्टेंस तब होती है जब स्पीशीज यूटिलाइज करती हैं रिसोर्सेज को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में, और जो इफेक्ट होते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के वो कम शदीद होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की निस्बत। और अगर हम यहाँ पिक्चर में बात करें, यहाँ डायग्राम में देखें, तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वाबलर जो बर्ड है उसकी स्पीशीज आपको दिखाई गई हैं। तो रॉबर्ट मैक आर्थर स्टडीड 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर दैट ऑल यूज द सेम कैटरपिलर प्रे। वार्बलर्स पार्टीशन देयर स्प्रूस ट्री हैबिटेट्स बाय डिवाइडिंग अ ट्री इनटू प्रेफर्ड रीजंस फॉर फोरेजिंग। ऑल्दो फोरेजिंग रीजंस आर ओवरलैप्ड कंपटीशन वाज लिमिटेड एंड द 5 स्पीशीज को एग्जिस्टेड। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखें कि ये 5 स्पीशीज हैं। केप में वाबलर है ये, ब्लैक ब्लू बर्नियर वाबलर है ये, ब्लैक थोरेटेड ग्रीन वाबलर है ये, बे ब्रेस्टेड वाबलर है ये, येलो रम्प्ड वाबलर है ये। और देखें आप कि इन्होंने अपने हैबिटेट्स को जो है पार्टीशन कर लिया है मुख्तलिफ जो है प्रेफर्ड रीजन्स में फोरेजिंग के हवाले से। ये देखें जैसे केप में वाबलर है, इस ये कहाँ प्रेफर कर रहा है रहना, न्यू नीडल्स एंड बर्ड्स एट द टॉप ऑफ ट्री। और अगर हम बात करें ब्लैक बर्नियर वाबलर की तो ये कहाँ प्रेफर कर रहा है, न्यू नीडल्स एंड बर्ड्स ऑफ अपर ब्रांचेस। और इसी तरह अगर हम ब्लैक थ्रेडेड ग्रीन वाबलर की बात करें तो ये कहाँ प्रेफर कर रहा है, कौन से रीजन में, न्यू नीडल्स एंड बर्ड्स एंड सम ओल्डर नीडल्स। इसी तरह बे ब्रेस्टेड वार्बलर की बात करें तो वो कहाँ प्रेफर कर रहा है, ओल्ड नीडल्स एंड बेयर एंड लाइकन कवर्ड मिडल ब्रांचेस। और अगर येलो रम्प्ड वार्बलर की बात करें तो ये कहाँ प्रेफर कर रहा है फॉर फोरेजिंग, बेयर और लाइकन कवर्ड लोअर ट्रंक एंड मिडल ब्रांचेस। कंपीटिंग स्पीशीज कैन डिवाइड रिसोर्सेज इन मैनी वेज। पार्टीशनिंग हाउएवर कैन नॉट अकर इनडेफिनेटली बिकॉज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनी रिसोर्सेज limited. If individuals in a population cannot obtain enough of a resource to support reproduction, then similarities between species become important limiting factors and the competition exclusion principle occur. Now coevolution. Coevolution involves the joint evolution of two or more species as a consequence of their ecological interaction. इसका क्या मतलब है कि कोएवोल्यूशन का मतलब है कि जॉइंट एवोल्यूशन होती है टू और मोर स्पीशीज की, किसके नतीजे में उनके जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन स्पीशीज आपस में करती हैं। द एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल रिलेटेड स्पीशीज इज समटाइम्स कोऑर्डिनेटेड सच दैट ईच टाइप ईच स्पीशीज एग्जर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द अदर। और इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन में अकर व्हेन स्पीशीज आर कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स और ड्यूरिंग प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन। इन एवोल्यूशन द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स इन प्रे स्पीशीज। सिमिलरली सिलेक्शन फेवर्स करेक्टरिस्टिक्स इन प्रेडेटर्स दैट अलाउ देम टू बिकम बेटर एट कैचिंग एंड इमोबिलाइजिंग प्रे। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं कोएवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स के हवाले से एग्जांपल्स मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी इकोलॉजिकल जो है फोर्स जिसने जो है मेजर पार्ट प्ले किया, तो दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन अगर जो है प्रेडेटर के हवाले से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेवलप कर रही है जो उसको फ़ायदा देती है, तो सिमिलरली नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रे को भी
फ़ायदा दे रही है कि वो भी ऐसी करेक्टरिस्टिक डिवेलप करे जो उसको फ़ायदा दें। तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स को इवॉल्व व्हेन अ चेंज टुवर्ड ग्रेटर प्रेडेटर एफिशिएंसी इज काउंटर्ड बाय इंक्रीज्ड एक्सक्लूसिवनेस ऑफ प्रे। इफ एवोल्यूशनरी रेट्स आर बैलेंस्ड नीदर स्पीशीज विंस दिस एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। If not balanced, then one species becomes extinct and another species takes its place. Evidence documenting the development of predator-prey relationship through coevolution, however, is scanty. तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेडेटर प्रे के हवाले से, तो एक स्पीशी जो है, अगर ये जो फोर्सेस बैलेंस ना हो, तो एक जो स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। और हमें इस किस्म की जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो इस हवाले से, कोएवोल्यूशन के हवाले से इतने नहीं हैं। कोएवोल्यूशन इज एन ऑब्वियस in the relationships between some flowering plants and their animal pollinators. तो हमें कुछ जो flowering plants हैं और उनके animal pollinators हैं, तो वहाँ पर भी हमें coevolution का जो concept है नज़र आता है। Early land plants जो, जैसे मिसाल के तौर पर, were dependent on wind, वो depend करते थे wind पे, rain पे to achieve pollination. तो जो cross pollination है become more likely तब हुई जब कब, when insects, birds और bats began carrying pollen from one flower to another. Plants that display adaptations for attracting specific pollinators, or animals that display adaptations for extracting pollen and nectar from specific plants are demonstrating the results of coevolution. तो इसको हम फर्दर, जो इस कंसेप्ट को हम आगे जो फर्दर स्लाइड्स हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। Now, if we talk about the interspecific interactions, members of other species can affect all characteristics of a population. Interspecific interactions include herbivory, predation, competition, coevolution, and symbiosis. Now, what is symbiosis? Symbiosis is an ecological coupling of two or more species in a coevolutionary relationship. The artificial categories that zoologists create, however, rarely limit animals. Animals often do not interact with other animals in only one way. The nature of interspecific interactions may change as an animal matures or as seasons or the environment changes. इसका मतलब ये है कि जो interactions होते हैं animals के दरमियान, वो हमेशा एक तरह के नहीं होते। डिपेंड करता है नेचर उन स्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस पे जो कि चेंज होते रहते हैं, जैसे एनिमल मेच्योर कर जाता है या सीजन्स की वजह से या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। यहाँ पे एक टेबल की मदद से आपको ने जो है समझाने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पे देखिए, स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज बी है। अगर तो दोनों स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं, तो उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। अगर एक स्पीशी बेनिफिट हासिल कर रही है और दूसरी जो है उससे इफेक्ट नहीं हो रही, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? कमेंसलिज्म। अगर एक बेनिफिट हासिल कर रही है और दूसरी हार्म्ड हो रही है, तो इसको क्या कह सकते हैं? प्रेडेशन भी हो सकती है, हर्बीवोरी भी हो सकती है, पैरासिटिज्म भी हो सकती है। अगर तो एक बेनिफिट इफेक्ट नहीं हो रही और दूसरी बेनिफिट हासिल कर रही है, तो ये कमेंसलिज्म है। अगर दोनों ही इफेक्ट नहीं हो रही, तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अगर एक इफेक्ट नहीं हो रही और दूसरी उस हार्म हो रही है, तो अमेंसलिज्म है। अगर तो एक हार्म हो रही है और दूसरी जो है वो बेनिफिट हासिल कर रही है, तो प्रेडेशन भी हो सकती है, हर्बीवोरी भी, पैरासिटिज्म। अगर एक हार्म हो रही है और जो दूसरी है वो नॉट अफेक्टेड, तो ये अमेंसलिज्म होगी। अगर तो दोनों ही हार्म हो रही हैं एक दूसरे से, तो देन दिस इज कंपिटिशन। Now, plant-animal co-evolution. Plants have no opportunity to flee or to hide. Evolved defenses reflect these. ये देखें, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये देखें थॉर्न्स हैं, स्पाइन्स हैं, कितने थिक और लेंथ में भी कितने जो है वो इंक्रीज लार्ज लेंथ में हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, ना तो ये भाग सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं।
तो फिर देखें कि अपने आप को इन्होंने एनवायरनमेंट में फिट रखने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए फिर कुछ इन्होंने करैक्टरिस्टिक्स इवॉल्व कर ली हैं जो कि अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसके नतीजे में हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो भी इनके साथ ही को इवॉल्व हुए हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं इनके स्पाइंस में जो हैं वो शेल्टर हासिल करते हैं। तो देखें साइड बाय साइड जो दोनों प्लांट और एनिमल वो क्या हैं, अपने इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो को इवॉल्व हुए हैं। मैनी प्लांट्स पर्टिकुलरली दोज इन एरिड क्लाइमेट्स प्रोड्यूस शार्प स्पाइंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हर्बीवोर्स। अब देखिए ये कितने ज़्यादा शार्प स्पाइंस हैं और बहुत से जो प्लांट्स एरिड इन्वायरमेंट में क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ये शार्प स्पाइंस जो हैं प्रोड्यूस करते हैं और उसकी रीज़न ये होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स कि वो एनिमल्स जो इनको खाने की कोशिश करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये स्पाइंस देखें, ये इसने इसको खाने की कोशिश की प्लांट को, तो ये देखें स्पाइंस जो हैं वो ढेर सारे इसके साथ पायर्स हो गए। और हर्बीवोर्स दैट अटेम्प्ट टू फीड ऑन देम मे बी पायर्स्ड बाय द स्पाइंस एंड परहैप्स इवन इन्फेक्टेड। और अगर कुछ ज़्यादा बुरी तरह से जो है स्पाइंस इनको चुभ जाएं तो क्या होता है कि इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो फिर जो एनिमल्स हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम जो है इस किस्म के प्लांट्स को खाने से वो अवॉइड करेगा क्योंकि स्पाइंस जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ का बायस बनते हैं जब उस एनिमल में इन्फेक्शन हो जाता है। अदर प्लांट्स मे प्रोड्यूस केमिकल डिफेंसेस, और कुछ जो प्लांट्स हैं उन्होंने केमिकल डिफेंसेस की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस की ताकि जो हैं वो केमिकल डिफेंस हासिल कर सकें अगेंस्ट द इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स। दीज आर ऑफन रेफर टू एज सेकेंडरी केमिकल कंपाउंड्स, और इनको हम सेकेंडरी केमिकल्स कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये टोबैको प्लांट है और ये देखें ये निकोटीन का फॉर्मूला है। टोबैको प्लांट्स प्रोड्यूस निकोटीन विच डिस्टर्ब्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन द लीव्स। अब जो टोबैको प्लांट है वो निकोटीन प्रोड्यूस कर रहा है ताकि जो है वो डिस्टर्ब कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसेक्ट्स का जो कि उस पर फीड करते हैं। निकोटीन क्या है, निकोटीन जो है कंपाउंड है जो कि टोबैको में पाया जाता है। इवन कि आप देखें कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें भी अच्छी खासी अमाउंट जो है निकोटीन की पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा है नुकसानदेह है सेहत के हवाले से। जो कि स्मोकर्स हैं स्मोक करते हैं, इवन के पैसिव स्मोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके बहुत ज़्यादा जो है नुकसान इंसान की ओवरऑल हेल्थ पे भी है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है और लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो टोबैको प्लांट में बजाते खुद जो निकोटीन की अमाउंट है सर्टन पर्टिकुलर वो उसके जब वो इंसेक्ट्स उस पर फीड करते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। Seeds of some morning glories contain D-lysergic acid. It is believed that this leads to increased predation on insects that feed on the seeds. ये morning glory का जो है वो flower है और ये seeds हैं। तो जो morning glories है वो produce करता है D-lysergic acid और ये ख्याल किया जाता है कि वो insects जो इसके seeds को खाते हैं और इसके सीड्स पे फीड करते हैं वो ज़्यादा जो है प्रेडेशन का शिकार हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर इंसेक्ट्स। हॉर्स रेडिश एंड अदर मेंबर्स ऑफ मस्टर्ड फैमिली प्रोड्यूस मस्टर्ड ऑयल। ये देखें हॉर्स रेडिश जो है प्लांट है मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है मस्टर्ड ऑयल। This is a tissue toxin होता है that provides protection from insects, और ये क्या provide करता है protection from insects, insects से protection देता है। Milkweed and dog bane produce cardiac glycosides which are toxic to insects. ये milkweed का plant है और ये dog bane है और ये जो दोनों है produce करते हैं cardiac glycosides जो कि toxic होते हैं insects के लिए। तो ये भी देखें एक डिफेंस का मैकेनिज्म है।
और यहाँ पे देखें आपके इसी जो प्लांट्स ने जो अपना डिफेंस का एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है टू प्रोड्यूस सर्टन केमिकल्स, तो इसी फिनोमिना को देखते हुए आर्टिफिशियल फिर स्प्रे किए जाते हैं इन्हीं केमिकल्स के क्रॉप्स के ऊपर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सर्टन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। नाउ म्यूचुअलिज्म, इंटरेक्शंस कैन बी फेवरेबल टू बोथ स्पीशीज इन्वॉल्व्ड। म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब है कि जो इंटरेक्शन हो रहे होते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वो फेवरेबल होते हैं उन दोनों स्पीशीज के लिए जो कि उस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। नाउ यहाँ आप देखें कि ये क्लीनर फिश की एग्जाम्पल है। This is a small brightly striped cleaner fish. ये देखें यहाँ पे ये आपको small जो है brightly striped cleaner fish नजर आ रही है of the ray family. Is collecting meal about the relaxed mouth of a large reef fish grouper which benefits from the cleaning. अब ये देखें ये एक fish है जो कि जिसका relaxed mouth है और यहाँ पे ये small जो fish है ये क्या कर रही है अपना meal हासिल कर रही है, खाना खा रही है और जो बदले में जो फिश है वो क्या है उसकी सफाई हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि एक फिश को खाना मिल रहा है और दूसरी फिश को बदले में उसकी सफाई हो रही है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये दोनों को फायदा दे रहा है और ये फिर एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म। सम एंट्स एंड एफिड्स हैव इवॉल्वड एन इंटरेक्शन इन विच द एंट्स प्रोटेक्ट द एफिड्स एंड ट्रांसपोर्ट देयर एग्स। कुछ एंट्स और एफिड्स ने भी जो है इवॉल्व किए हुए इंटरेक्शंस जिसमें कि एंट्स जो है प्रोटेक्ट करती हैं एफिड्स को और ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके एग्स को। और द एफिड्स प्रोड्यूस हनी ड्यू फ्रॉम ट्री सैप विच इज यूटिलाइज्ड बाय द एंट्स। तो एफिड्स क्या करते हैं हनी ड्यू प्रोड्यूस करते हैं ट्री सैप से जो कि फिर जो है बदले में एंट्स जो है इस्तेमाल कर लेती हैं। तो देखिए ये भी डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है ये भी किसकी एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म की। तो दोनों को बेनिफिट कर रहा है ये इंटरेक्शन एंट्स को भी और एफिड्स को। Antennae ants live in the New World tropics and culture fungus in the genus Leucocorinae. ये जो ants हैं ये special type की ants हैं जो कि पाई जाती हैं New World tropics में और culture करती हैं fungus को genus Leucocorinae. Now leaf cutter ants ये भी example है mutualism की। Above the ground, ants cut small pieces of leaves and carry them to their underground nests. क्या करती हैं ants छोटे छोटे ये देखें डायग्राम में भी आप देख रहे हैं जो leaves हैं और उसके parts को cut करती हैं और underground फिर उसको ले जाती हैं अपने nest के करीब। Where they chewed leaves and rich soil, into the soil bits of fungi are planted that grow and provide food for the ants. और फिर क्या करते हैं कि ये उसको वहाँ चबाती हैं और फिर जो है ढेर सारी जो फंगजाए है वो वहाँ पे ग्रो कर जाती है जो कि फिर फूड प्रोवाइड करती है एंट्स के लिए। द एंट्स कैरी ऑन देयर बॉडीज द बैक्टेरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस विच प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट अ फंगल पैरासाइट। अब होता क्या है ये देखें जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एंट्स हैं उनकी बॉडी में बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस पाया जाता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है बदले में एंटीबायोटिक्स ताकि वो फाइट कर सके फंगल पैरासाइट्स। तो ये जो एग्जांपल है ये भी म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल। यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म के हवाले से। द स्मॉल स्पेनिश हॉक फिश ये देखें ये स्मॉल स्पेनिश हॉक फिश है dashes into the mouth of a willing barracuda. ये willing barracuda fish है where it feeds on debris and parasites. और ये fish किस पे feed कर रही है debris और parasites पे। The hawkfish gains a meal. अब hawkfish को खाना मिल रहा है and the barracuda gains the cleaning. और जो barracuda है उसकी बदले में cleaning हो रही है। तो इस interaction से दोनों को ही फायदा हो रहा है mutual फायदा हो रहा है और इस interaction को हम क्या कहते हैं mutualism. Now ants and acacia.
अकेशिया इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्री इन ट्रॉपिकल रीजन्स. अकेशिया जो है वो एक ट्री है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल रीजन्स में. और एंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं इस ट्री के साथ, जो कि आगे फर्दर स्लाइड्स में आपको क्लियर किया जाता है. In Mexico, Acacia cornigera has a close mutualistic association with the ant Zetomyrmex ferruginea. ये देखें आप यहाँ पे, ये specific type की जो है example है, figure में भी आप देख सकते हैं. ये देखें ये ants हैं जो कि mutualistic association है एक खास type के जो है Acacia के tree के साथ. Now ants and Acacia. Look at these two diagrams. This is the diagram A and this is the diagram A. Here you can see the ants sitting on the leaves of Acacia's tree, and here is the ant entering into the hole of a thorn of Acacia tree. In figure A, ants feed on the Beltian bodies produced at the tips of the leaves by the Acacia tree and of the nectaries along the stems. अच्छा, अब जो एंट्स हैं वो फीड करती हैं किस पे? बेल्टियन बॉडीज. बेल्टियन बॉडीज क्या हैं ये आपको ये देखें, ये टिप पे, लीफ के टिप पे ये राउंड सी आपको कुछ बॉडीज नज़र आ रही हैं जिसको हम बेल्टियन बॉडीज कहते हैं. एंट्स सिर्फ इस पार्ट को खाती हैं और ये न्यूट्रिशियस पार्ट है एंट्स के लिए, और ये जो है एंट्स कट कर लेती हैं और इसको फिर खाती हैं. और इसके अलावा जो है ऑफ द नेक्ट्रीज अलोंग द स्टेम्स, और फिर जो स्टेम के अलोंग जो नेक्ट्रीज हैं उसको, तो ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है एंट्स का. बी में अगर हम देखें तो एंट्स लिव इन द होलो, होलो में रहती हैं स्वेलन थॉर्न्स और ऑफ द अकेशिया, और ये स्वेलो थॉर्न्स हैं अकेशिया ट्री के. द एंट्स प्रोटेक्ट द अकेशिया फ्रॉम फाइटोफेगस इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम द ओवर ग्रोथ ऑफ कंपीटिंग स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स. तो फिर क्या है कि देखें, एक तो जो है एंट्स फीड कर रही हैं और बदले में क्या है, जो अकेशिया ट्री है वो उनको एक तो शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा जो है एंट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं अकेशिया ट्री को फ्रॉम जो है फाइटोफेगस जो इंसेक्ट्स हैं उनसे, और इसके अलावा उन कंपीटिंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की जो कि ओवरग्रोन करने की कोशिश करती हैं अकेशिया ट्री के अगेंस्ट. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. Thank you, and that's all about today's lecture.